नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। WWE यूनिवर्स में फैंस के लिए एक परेशान और एक खुश करने वाली खबर सामने आ रही है। असल में बात ये हुई है कि WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इस फैसले से उन्होंने WWE के फैंस को चौंका दिया है। 77 साल के विंस मैकमैन WWE के चेयरमैन और CEO थे। उन्होंने अपने करियर में WWE रेसलिंग को मशहूर करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन विंस के रिटायर होने के बाद WWE को दो नए CEO भी मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट की घोषणा करके ना केवल WWE के फैंस को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी चौंकाया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए अपनी ज्यादा उम्र का हवाला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस ने अपने रिटायर होने के निर्णय को व्यक्तिगत तौर पर लगभग एक हफ्ते पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब उनके संन्यास के बाद विंस की बेटी स्टेफनी मैकमैन और निक खान को CEO के रूप में चुनने का फैसला लिया गया है। मैकमैन के इस फैसले के बारे में जब कंपनी टैलेंट्स और अन्य कॉरपोरेट कर्मचारियों को पता चला तो ऐसे में वह हैरान हो गए। यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि उनका रिटायर होने का ये फैसला WWE स्मैकडाउन के सभी दर्शकों व टैलेंट्स के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बता दें कि विंस मैकमैन ने संन्यास की घोषणा अपने ट्वीट में दी, फिर इसके बाद इसकी पुष्टि WWE ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके कर भी दी। इसमें विंस ने अपनी पूरी बातों को विस्तार से बताया कि मैं 77 साल का होने वाला हूं, मुझे यह एहसास हो रहा है कि WWE के चेयरमैन और CEO के रूप में रिटायर होने का यह सही समय है। इतने साल तक WWE के द्वारा फैंस के बीच खुशी लाने के लिए प्रेरित करने, मनोरंजन करने और सरप्राइज करने का मौका मिलना एक बड़ी बात है। मैं अपने परिवार को मेरी सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी पुराने और नए सुपरस्टार्स को मेहनत से हमारे ब्रांड के लिए काम करने और सफलता हासिल करने के लिए धन्यवाद कहता हूं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने अपने घरों से हर हफ्ते हमारा शो देखा और हमें उन्होंने मनोरंजन के तौर पर चुना। मैं पूरी दुनिया में हर उम्र के फैंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।